हेलो एवरीवन, अभी अभी एसएससी की तरफ से सीजीएल के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने टायर टू का एग्ज़ाम दिया था, उनका पोस्ट प्रिफ्रेंस के रिगार्डिंग एक न्यू जो नोटिस है वह जारी किया गया है। यह जो स्क्रीन पे शो हो रहा है नोटिस, यह उसी के बारे में है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको दी गई है नोटिस में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये जो इम्पोर्टेंट नोटिस है, इसमें बताया गया है कि जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, ठीक है, वो जो टायर वन एग्ज़ाम हुआ था 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसका रिजल्ट 9 फरवरी को जारी कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि जो आपका टायर टू का एग्ज़ाम है वह 2 से 7 मार्च के बीच में हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, यानी कि फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले एसएससी चाहती है कि जितने भी कैंडिडेट, दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन टायर टू एग्जामिनेशन, तो जितने भी कैंडिडेट टायर टू एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं उनको पोस्ट कम प्रिफ्रेंस फॉर्म यानी कि पोस्ट प्रिफ्रेंस फॉर्म फिल करना जरूरी है। ये पोस्ट प्रिफ्रेंस फॉर्म आप फिल कैसे कर सकते हैं, तो आप कैंडिडेट लॉगिन करेंगे सबसे पहले, जैसे कि आप फॉर्म डालते समय डालते हैं, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कैंडिडेट लॉगिन करना है, और उसके बाद 27 से 1 मई के बीच में वहाँ पे पोस्ट प्रिफ्रेंस डालने का फॉर्म जो है आपके वेबसाइट पे खुल जाएगा जब आप कैंडिडेट लॉगिन करेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि जो कैंडिडेट हैं वो इसी पीरियड में, ठीक है, इसी पीरियड में, 4 सेट पीरियड में अपना पोस्ट प्रिफ्रेंस फॉर्म डाल लें, नहीं तो इसके बाद आपको मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं टायर जो भी अपीयर हुए हैं टायर टू में उन सबको डालना है। ठीक है, रिजल्ट से अभी मतलब नहीं है, सभी को, जितने भी लोग टायर टू में अपीयर हुए हैं उन सभी को अपना पोस्ट प्रिफ्रेंस फॉर्म डालना है, और इसी पोस्ट प्रिफ्रेंस फॉर्म के बाद आपका टायर टू का जो रिजल्ट है वह डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है कि यहाँ पर उनको इंश्योर करना है कि वो प्रिफ्रेंस उसी पोस्ट का दे जिनके लिए वो एलिजिबल है। ठीक है, जो उनका सुइटेबल एलिजिबिलिटी है उसी पोस्ट के लिए आप अपना फिल करेंगे पीडब्ल्यूडी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं। ठीक है, यहाँ पर 5वें पॉइंट में दोस्तों फिर से बताया गया है कि जो इसके बाद बियॉन्ड डेट पर आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, तो आप लोग कोशिश करिए कि जब 27 से स्टार्ट हो तो 1 मई के पहले आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि 27, 28, 29, 30 और 1, 5 दिन का आपको समय मिल रहा है, तो जैसे ही 27 को आए उसी दिन आप सभी को जो आपका पोस्ट प्रिफ्रेंस फॉर्म है उसको फिल कर लेना है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। 1 तारीख के बाद आपको दोस्तों समय नहीं मिलेगा, तो आप लोग 100% जितने भी लोग टायर टू में अपीयर हुए हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं, सारे लोग कोशिश करिए कि जितने भी टायर टू में अपीयर हुए हो सारे के सारे अपना पोस्ट प्रिफ्रेंस फॉर्म डाल देना। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जाके पोस्ट प्रिफ्रेंस के फॉर्म में पोस्ट प्रिफ्रेंस फिल कैसे करना है, कौन कौन से पोस्ट आपको डालने चाहिए, किनको पोस्ट डालने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूँगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और एसएससी के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आता है उसके रिगार्डिंग सबसे पहला अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।